नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं टेक न्या न्यूज। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान संपन्न होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग का यह आदेश 19 अप्रैल को हुई चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 1 जून तक के लिए लागू किया गया है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एग्जिट पोल का आयोजन और प्रसारण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान होगा। इस चरण में सभी 8 प्रदेशों में कुल 49 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने 5वें चरण की जानकारी देते हुए कहा है कि इस चरण के लिए कुल 1586 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें जांच करने के बाद 749 नामांकन पत्र वैध पाए गए। वहीं नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने की अंतिम संख्या 695 रह गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सैम पित्रोदा ने अमेरिका में अपने एक इंटरव्यू में भारतीय नागरिकों के लिए नस्लवादी टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। वहीं कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अचानक सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने के लिए दोषी माना है और इसे नियुक्त शर्तों का उल्लंघन बताकर कई सीनियर कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दे दिया है। पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक क्रू मेंबर्स के अचानक छुट्टी पर चले जाने से एयर इंडिया एक्सप्रेस को 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे एयरलाइन के करीब 15,000 यात्री प्रभावित हुए। वहीं एयरलाइन ने 13 मई तक उड़ान सेवा में कटौती करने की घोषणा की। यात्रा को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाता रहता है। अप्रैल 2024 में प्रयागराज रेलवे मंडल ने चेकिंग अभियान के दौरान 7,65,00,000 से अधिक का जुर्माना वसूला है। इसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे 53,000 से अधिक यात्रियों से करीब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जबकि स्टेशनों और ट्रेनों पर गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने वाले यात्रियों से 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कैश लोन से संबंधित सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को 20,000 से अधिक का कैश लोन देने से साफ इनकार किया। आरबीआई का कहना है कि एनबीएफसी अपने ग्राहकों को 20,000 से अधिक का कैश लोन दे देती है, जो आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 से अधिक का कैश अमाउंट लोन के तौर पर लेने की अनुमति नहीं है। इससे पहले आरबीआई कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लिमिट से ज्यादा कैश लोन देने को लेकर कार्रवाई कर चुकी है। 16वें वित्त आयोग ने देश के नागरिकों और संगठनों से आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर राय मांगी है। आयोग ने लोगों से केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय या आय से संबंधित शेष पर सुझाव मांगा है। इसके अलावा आयोग के एक बयान के अनुसार लोग भारत की संचित निधि के वितरण और राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। इच्छुक लोग आयोग की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं। लोगों द्वारा दी जाने वाली सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। साल 2024 में आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षाओं के लिए सिट इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है। सीयूईटी 2024 के लिए परीक्षाएं 15 से 24 मई तक हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं देश भर के 26 शहरों के 380 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने साउथ स्मैश के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की नीना मितलहम को करारी मात दी है। बत्रा ने 22 मिनट तक चले खेल में मितलहम को 11-6, 11-9, 11-7 से मात दी है। जर्मनी की खिलाड़ी नीना के खिलाफ मनिका बत्रा की यह पहली जीत है, जबकि इन दोनों का 4 बार आमना सामना हुआ है। वहीं नीना विश्व में 14वें नंबर की टेबल टेनिस स्टार मानी जाती है। एक्टर मनोज बाजपेयी ने फिल्मों का शतक लगा लिया है। मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म भैया जी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। फिल्म में भैया जी की भूमिका में मनोज बाजपेयी अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए नजर आएंगे।
फिल्म 24 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म मनोज बाजपेयी की करियर की तौगी फिल्म है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। हमारे चैनल टेक्निया टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।